हेलो सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज अपन सुपर क्लास पीसीज पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में पीसीज के चारित्रिक लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे। टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन समझाने की दृष्टि से कि किस प्रकार से ये टॉपिक आसानी से बच्चों के समझ में आ जाए, तो इसके लिए प्लानिंग से इसको टुकड़ों में तोड़ करके वीडियो बनाए गए हैं। कल करैक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे, आज चालू करते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन। पीसी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन वर्ड पीसी से भी है, PECIS मीन्स फिश यानी मछली, या इसमें मछली आती है। तीन विभिन्न टैक्सोनॉमिस्ट, जैसे कल बताया था मैंने, बर्ग ने 1940 के अंदर इसको सात वर्गों में वर्गीकृत किया और A.S. रोमर ने 1959 में इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया और पार्कर हेजवेल ने 1960 के अंदर इनको वर्गों में वर्गीकृत किया। अब एक वर्ग जो होगा वो लुप्त प्राय होगा, उसमें पाए जाने वाली सभी मछलियां विलुप्त हो गई, लेकिन सिलेबस में आगे लिखा हुआ होता है प्लेकोड्रमाई के बारे में भी समझाइए। इसका मतलब विलुप्त मछलियों को भी सम्मिलित करके और जीवित मछलियों को भी सम्मिलित करके पार्कर हेजवेल का क्लासिफिकेशन मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनना। क्लास फर्स्ट प्लेकोड्रमाई, इसको एफिटोहाइडिया भी बोलते हैं। प्लेकोड्रमाई या एफिटोहाइडिया, इसका पहला चारित्रिक लक्षण है एक्सटिंक्ट फिशेज विलुप्त मछलियां। ये मछलियां 4500 लाख वर्ष पूर्व डेवोनियन से परमियन पीरियड तक पाई जाती थी और शरीर के ऊपर सलकों का, कठोर सलकों का बना हुआ आवरण होता था, इसलिए इनको कवचीय मछलियां या सेल्ड फिशेज या आर्मर्ड फिशेज भी कहा जाता है। दे आर आल्सो नॉन एज सेल्ड और आर्मर्ड फिशेज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटियस एंड एकेथोडस एटसेट्रा। क्लास सेकंड कॉन्डक्टीज, कॉन्डक्टीज शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रॉन मीन्स कार्टिलेज, इक्थिस मीन्स फिश। ऐसी मछलियां जिनका अंतः कंकाल उपास्थिल होता है यानी कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है जो लचीली होती है, इसलिए इसमें पाई जाने वाली सभी मछलियां उपास्थिल अंतः कंकाल वाली होंगी। क्लास थर्ड ऑस्ट्रक्थीज, क्लास थर्ड ऑस्ट्रक्थीज, ऑस्ट्रक्थीज वर्ड इज आल्सो मेडअप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये शब्द भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड ऑस्टियोन मीन्स बॉन यानी हड्डी, इक्थिस मीन्स फिश यानी ऐसी मछलियां जिनमें अंतः कंकाल हड्डियों जैसा कठोर हो यानी बोनी हो, इसलिए इनको बोनी फिशेज भी कहते हैं, इनको लंग फिशेज भी कहते हैं। अब अपन एक वर्ग जो है प्लेकोड्रमाई विलुप्त हो चुका, लेकिन लिविंग दो वर्ग जो हैं उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक रूप से भी उन बिंदुओं का मैंने चयन किया है, साधारण बिंदुओं का नहीं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अपन ने वर्णन किया है
जिसके आधार पर इनको आसानी से समझा जा सके। ध्यान देना, प्रत्येक लक्षण एक दूसरे से एकदम सटीक अपोजिट होगा। पहला बिंदु यहां वाली मछलियां कॉन्डक्टिव होंगी, और ये मछलियां ऑस्ट्रक्टिव होंगी। ये क्लास ऑस्ट्रक्टिव है और ये क्लास कॉन्डक्टिव है। कॉन्डक्टिव में पाए जाने मछलियां लवणीय जल में पाई जाती हैं, मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर, जबकि ऑस्ट्रक्टिव में पाए जाने वाली मछलियां दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, फाउंड इन फ्रेश और मैराइन वाटर, यानी स्वच्छ और लवणीय जल दोनों में पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर दो, कॉन्डक्टिव में पाई जाने वाली मछलियों के ऊपर बाह्य कंकाल में सल एक ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, जबकि ऑस्ट्रक्टिव के अंदर जो ड्रमल स्केल्स होते हैं, यानी इन स्केल्स या सलकों की उत्पत्ति या ओरिजिन डर्मिस से हुआ है, इनको ड्रमल स्केल्स इसलिए बोलते हैं। साइक्लोइड भी हो सकते हैं, टीनोइड भी हो सकते हैं और गेनोइड भी हो सकते हैं। द ड्रमल साइक्लोइड टीनोइड गेनोइड स्केल्स प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल के रूप में तीन प्रकार के शलक पाए जाते हैं। कॉन्डक्टिव के अंदर माउथ प्रेजेंट और मेंटल सरफेस, मुख थोड़ा अधर सतह पर पाया जाता है, वेरेज जबकि ऑस्ट्रक्टिव के अंदर बोनी फिशेज के अंदर माउथ एकदम अंतस्थ सिरे पे होगा, एकदम हेड के टर्मिनल पॉइंट पे होगा, या उससे अंतस्थ बोलते हैं जिसको, या उप अंतस्थ या सब टर्मिनल कहते हैं, वहां पे पाया जाता है, अदर सतह पे नहीं होता। पांचवा बिंदु, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय 5 और 7 पेयर गिल्स, श्वसन 5 से 7 जोड़ी गिल्लों द्वारा होता है, और गिल छिद्र पृथक पृथक रूप से शरीर से बाहर खुलते हैं, ओपन्स डायरेक्टली फ्रॉम दी बॉडी, और गिल छिद्रों को ढकने वाला ढक्कन या ऑपरक्यूलम इनमें अनुपस्थित होगा, जबकि ऑस्ट्रक्टिव में देखिए श्वसन या रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय 4 पेयर गिल्स, 4 जोड़ी गिल्स के द्वारा श्वसन होगा, और ये 4 जोड़ी गिल्स के जो छिद्र खुलेंगे वो ऑपरक्यूलम द्वारा, एक ढक्कन नुमा रचना द्वारा ढके हुए होते हैं, दे आर कवर्ड बाई ऑपरक्यूलम, दोनों में, इसमें ऑपरकुलम एब्सेंट, इसमें ऑपरकुलम प्रेजेंट। छठा पॉइंट, आहार नाल में जो स्टोमक यानी आमाशय जो पाया जाता है वो जे की आकृति का होता है। कॉन्डक्टिव मछलियों में, उपास्थिल मछलियों में आमाशय जे की आकृति का होता है, और एक स्क्रोल या स्पाइरल वाल्व पाया जाता है इंटेस्टाइन में, स्क्रोल या स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, वेयर एज जबकि अपन ऑस्ट्रक्टिव में देखेंगे तो स्टोमक ठेले नुमा होता है, सैक लाइक होता है, और स्क्रोल वाल्व और स्पाइरल वाल्व कभी नहीं पाया जाता, शिकम जरूर पाई जाती है। नेक्स्ट टेल का लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी में एक बार पूछा भी गया था, तैरती मछली को देख करके कि ये ये मछली बोनी है या कार्टिलेजिनियस है, उपास्थिल है या अस्थिल है, बताइए। टेल हेटेरोसर्कल विषम पालित, टेल में 2 लॉब्स होंगे,
ऊपर वाले लोब को बोलते हैं एपिकॉर्डल लोब, और नीचे वाले लोब को बोलते हैं हाइपोकॉर्डल लोब। और इनके अंदर केंद्रीय फिन अक्ष होगी और फिन रेज द्वारा ये सपोर्टेड होता है। ये होती है फिन रेज। फिन रेज के कारण से इनकी आकृति निश्चित बनी रहती है। तो हेटेरो सर्कल टेल का मतलब है कि टेल में पाए जाने वाला ऊपर वाला लोब जो बड़ा होता है, नीचे वाला लोब छोटा होता है, इसलिए ये विषम पालिती है, हेटेरो सर्कल टेल कहलाती है। जबकि अगर ऑस्ट्रोथीज में पटेंगे तो दोनों लोब एपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब दोनों इक्वल साइज के होंगे और फिन रेज द्वारा सस्पेंडेड होती है, निलंबित होती है, इसलिए आकृति निश्चित बनी रहती है टेल की। इसमें आगे देखिए आप, टेल होमो सर्कल, इसमें टेल हेटेरो सर्कल आ रही थी, बट मे बी डाइफाई सर्कल। डाइफाई सर्कल का तात्पर्य देखिए कि टेल है और दो पिंड हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है और वर्टिब्रल कॉलम अगर लोब में पहुंच जाए, चाहे एपिकॉर्डल लोब में पहुंचो चाहे हाइपोकॉर्डल लोब में पहुंचो, तो उस प्रकार की टेल को डाइफाई सर्कल टेल कहते हैं। ये है वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉन्डक्टीज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन कॉन्डक्टीज की बात कर रहा हूं। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के कारण से इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जल में रहते हुए भी इंटरनल होता है। नर में वन पेयर क्लेस पर प्रेजेंट इन मेल एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इनर मार्जिन ऑफ पेल्विक फिन्स, यानी नर में एक जोड़ी आलिंगक या क्लेस पर पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति पेल्विक फिन्स के मार्जिन्स के द्वारा होती है। जबकि ऑस्ट्रोथीज में जब अपन पढ़ेंगे तो क्लेश पर मोस्टली अब्सेंट होगा, अधिकांशतः अनुपस्थित होगा। अगर पाया जाता है इट प्रेजेंट इन मेल नॉट ओरिजिनेटिंग बाय पेल्विक फिन्स, तो पेल्विक फिन्स के मार्जिन्स द्वारा इसका विकास नहीं होगा। ध्यान देना, क्लेश पर आलिंगक बोलते हैं, ये कॉपुलेशन में सहायता करता है, मेल में ही पाया जाता है सदैव, और एक जोड़ी पाए जाते हैं। नौवां पॉइंट, फिर कंपेरेटिव की स्टडी से देखिए आप, कॉन्डक्टीज के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका क्या है? आहार नाल का पश्चम या पोस्टीरियर अपचर कहलाता है एनस, और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम का पश्चम छिद्र यूरिनोजेनाइटल अपचर कहलाता है। अगर आहार नाल के पश्चम छिद्र पोस्टीरियर अपर्चर और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के पोस्टीरियर अपर्चर को दोनों एक जगह खुलते हैं, उस भाग को क्लोइकल अपर्चर या क्लोइका कहते हैं। तो क्लोइका पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोइका नहीं पाया जाता। आहार नाल का पश्चम छिद्र एनएस अलग खुलता है और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर अलग खुलता है। एयर ब्लैडर अब्सेंट, हल्की मछलियां होती हैं ये, क्योंकि इनका अंतः कंकाल उपास्थियों का बना हुआ है, इसलिए ये लाइट फिशेज होती हैं। इसलिए इनमें हवा भरने वाला वायु आशय नहीं पाया जाता। ये बोनी फिशेज होते हैं, बियोन्सी के लिए, उत्प्लावकता के लिए अंदर एकत्रित कर लेती हैं एयर को,
तो एयर ब्लैडर, जिसके कारण से ये पैदे से ऊपर भी आ सकती है, तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट, इधर एयर ब्लैडर अब्सेंट इन कॉन्डक्टीज, एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन ऑस्टक्टीज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेस्पर्स, क्लेस्पर्स की उपस्थिति के कारण से इसमें फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसा होगा, इंटरनल होगा, यानी ये कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेथुनांग के रूप में कार्य करता है इस नर में, इसलिए इनमें फर्टिलाइजेशन अधिकांशतया कैसा होगा, आंतरिक होगा, इंटरनल होगा, जबकि ऑस्टक्टीज के अंदर फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होगा ड्यू टू द लैक ऑफ क्लेस्पर्स, यानी कि क्लेस्पर्स की अनुपस्थिति के कारण से। ये अपन ने सुपर क्लास स्पीशीज के तीन वर्गों के बारे में अध्ययन किया है। एक वर्ग जो प्लेकोड्रमाई जो था उसमें पाए जाने वाली कवचीय मछलियां, आर्मर्ड फिशेज, सैंड फिशेज विलुप्त हो गई, बाकी की कॉन्डक्टीज एंड ऑस्टक्टीज फिशेज जो जीवित हैं इनमें तुलनात्मक रूप से अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्डक्टीज का वर्गीकरण। धन्यवाद, आभार। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। पूरे कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आपके फंडामेंटल्स, जितनी मैं कोशिश करूंगा फंडामेंटल्स आपके जो अवधारणाएं हैं उनको मजबूत करने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। धन्यवाद।